बोले कि भाइयों, अक्सर ऐसा होता है कुछ कि हम मतलब कहीं पे भाई रोजगार देखने के लिए जाते हैं, और मतलब हमारी गल भी ऐसा हुआ है कई बार कि भाई वहाँ पे पैसे खत्म हो जाए और हम भाई फंस जाते हैं, और भाई फिर हमें मतलब लिफ्ट मांगनी पड़ती है और कोई लिफ्ट देता नहीं है, तो ऐसी ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आज ही मेरे पास एक अंकल आए हैं जो कि मतलब यहाँ पे मैं जा रहा था बाइक से, सो ये रही बाइक और ये है वे अंकल। तो भाई अभी अंकल से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो अंकल मेरे को मिल गए थे, मैं जा रहा था तो तब मिल गए थे अंकल, लिफ्ट मांगने लगे थे, तो बाकी आपको अंकल बता देंगे। तो अंकल से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। जय बोले की। जय बोले। अंकल आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, तो अंकल आपको कहाँ पे जाना है? जेठानी। मतलब यहाँ पे कहाँ पे आए थे आप? यार रोजगार देखना है, चौंद मार्केट। और रोजगार मिला नहीं? नहीं मिला, सुबह से आया मैं। और अंकल जी मतलब एक और समस्या बता रहे हैं कि इनके पास मतलब पैसे वगैरह नहीं है अंकल। हाँ पैसे नहीं है मेरे पे बिल्कुल भी। और अंकल की गल एक और दिक्कत हो गई है कि इन्होंने मतलब 2 दिन से नहीं खाया खाना। हाँ। तो बताइए अपने बारे में। 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, बिल्कुल भूखा। अंकल को मतलब अपना मतलब किसी का मतलब फोन वगैरह तो है नहीं अंकल आपके पास, और नंबर वगैरह भी नहीं है याद किसी का, तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या हेल्प हम अंकल की कर सकते हैं। सो अंकल बताइए मैं आपकी मतलब क्या मदद करूं? कुछ भी कर दो, कुछ भी। आप मतलब पहुंचना कहाँ पे है आपको? रिठानी। रिठानी पहुंचना है, और रिठानी यहाँ से कम 20 किलोमीटर। हाँ कम से कम, मेरा पैसा नहीं। रिठानी। सो देख लो गाइस, मैंने आपको मतलब बताया कि भाई मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जो मतलब आप भी अगर जो कोई मिले तो भाई मदद कर दे करो। अभी अंकल को ले जाते हैं और इनके वहीं छोड़ के आते हैं, और नहीं तो अगर जो यहीं पे फेस उनसे देखते हैं कोई मतलब बाइक वगैरह जा रही होगी तो वहीं बिठा देंगे ताकि ये चले जाएं। बाकी भाई बहुत दिक्कत होगी अंकल की हेल्प। सो अंकल वैसे आप मतलब कितने दिन से हो यहाँ पे? हो गए 4-5 साल। अच्छा 4-5 साल जो है रिठानी में हो चुके हैं, और यहाँ पे आए हो कितने दिन हो गए? आज ही आया हूँ, आज यार 1-2 दफे पहले आया था। अच्छा रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला। रिठानी में किस जगह रहो? भोपला रोड। भोपला रोड, तो रिठानी में भोपला रोड पर जो अंकल रहते हैं, तो अब देख लो आज क्या करना है। सो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आगे की बात। सो आप सोचेंगे कावड़ की देंगे भाई अंकल का इंट्रोड्यूस क्यों, सो भाई यही प्रॉब्लम थी, सो सॉल्व कर देना आप मतलब मेरे को कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन लोग जो मदद करते हैं ऐसे केस मिलते हैं यार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।